भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर शहर के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य आयोजन पोस्ट ऑफिस के सामने स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर हुआ है। जैसे चुनाव नज़दीक आ रही हैं, सभी दल SC और ST के जन समुदायों को रिझाने में लगे हैं। सभी दलों के नेताओं और समाजजनों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें पुष्प अर्पित किए। आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती सारे भारतवर्ष के लिए एक गर्व का विषय है और हम सब ने आज इस बात से अभिभूत होना चाहिए कि दुनिया के देशों में इस प्रकार बराबरी का मताधिकार, बराबरी के अवसर। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्मदिवस मैं महापौर होने के नाते सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और उन्होंने संविधान की जो रक्षा की और बहुत सारे संदेश दिए, जैसे हम अलग अलग नहीं हैं, देश हमारा है, हम देशवासी हैं और जैसा पुरुषों को शिक्षित होने का अधिकार है वैसा महिलाओं को भी शिक्षित होने का अधिकार है। सबसे पहले तो सभी जिलेवासी एवं पूरे देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम सब कांग्रेस के जन, कांग्रेस के वरिष्ठ जन, प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शाह जी, पूर्व विधायक रविन्द्र महाजन जी, विनोद मोरे जी आदि सभी वरिष्ठ जन, पार्षद मंजू मीर जी आदि सभी वरिष्ठ जनों के साथ में बाबा साहब की प्रतिमा पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया एवं बाबा साहब को चरणों में उनको याद करते हुए उनको नमन किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी वो संविधान बनाया है, जो आज अपन 70 साल की उम्र हो गए उसके बाद भी संविधान ज़्यादा और उसी के अपन कार्य कर रहे हैं। इतना अच्छा संविधान बनाना उनकी बहुत अधिकारी कर्मचारी जिला संयुक्त मोर्चा बुरहानपुर द्वारा आज बाबा साहब जी की 132वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन करने पहुंचे हैं और संयुक्त मोर्चा बाबा साहब के बताए मार्ग पे चलने की कोशिश करेगा।